हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी व्लॉग्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू है तो, ताकि आपका भाई भी इस यूट्यूब पे ग्रो करे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको काफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस में किस तरह अप्लाई करते हैं। तो गूगल क्रोम पर आके आप सिंपली लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे ऊपर ही अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक कर लें। जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो आपने येस डोंट आस्क मी अगेन पे क्लिक कर लेना है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे आप। तो राइट टॉप कॉर्नर पर देख सकते हैं साइन इन स्लैश रजिस्टर, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है क्योंकि आप न्यू हैं इस वेबसाइट पर। तो आई एम न्यू एप्लीकेंट पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका ईमेल में जो यहाँ पे ईमेल लिखेंगे अपना और जो भी आपका ईमेल है, और आई एम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे जो आपका ईमेल है वेरीफाई होगा। आप अपना ईमेल इनबॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पे जो लिंक आएगा उस पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, या गूगल पे सिंपली यहाँ से टिक कर लें। तो मैं डायरेक्ट गूगल से साइन इन करूँगा। डायरेक्ट गूगल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पेज ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। फिर आपने करना है, अगर यहाँ पे यहाँ से अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स सेलेक्ट करें, अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2022 पे टिक कर लेना है और फाइंड प्रोग्राम्स पे सर्च कर लेना है। ये प्रोग्राम्स हैं, इनमें बैचलर्स के लिए इस टाइम ये ऑफर कर रहे हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के जो बटन्स हैं इन पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस प्रोग्राम का डिटेल्स जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारा कुछ डिटेल मेंशन होगा। आप अपने हिसाब से जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो सारों में देख के आप अप्लाई कर लें। यहाँ पे रेड कलर का जो अप्लाई लिखा हुआ है उसी पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, और ये तीन ऑप्शन देते हैं कि आप तीन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें और अगर एक में नहीं हुआ तो दूसरे में, ताकि आपका एडमिशन हो जाए, और अगर दूसरे में भी नहीं हुआ तो तीसरे में तो लाजमी हो जाए। तो मैं रेंडमली यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए और आप टाइम पे अप्लाई कर सकें। आप अपना क्राइटेरिया देखें, आपने एडमिशन कर ली यहाँ पे, और यहाँ से सेव लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आप अपने नाम, आपका पासपोर्ट नंबर जो भी है, नीचे उसका एक्सपायरी डेट लिखेंगे, नीचे मेल अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल तो फीमेल, आईडी कार्ड मैंडेटरी नहीं है, खाली भी छोड़ सकते हैं। रेड कलर के जो स्टार्स नज़र आते हैं या ये मैंडेटरी होते हैं कि आपने फिल लाजमी करना होता है, उसके अलावा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो पाकिस्तान, अगर आप इंडिया से तो इंडिया लिख लें, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश, उसके नीचे प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान के अंदर जिस सिटी में आप, या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पैदा हुए वो लिख लें वहाँ पे। उसके बाद नीचे है फिस्काले कोड, ये किसी का भी नहीं होता तो आपने ऐसा करना है, सिंपली इस फिस्काले को लिख लेना है, या तो आप यहाँ से सीधा कॉपी करके न्यू टैब पे आके यहाँ से जनरेट लिख के इसको लिख लें कोड फिस्काले, ये आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा लाइक दिस। तो आपने सबसे ऊपर ही क्लिक कर लेना है इस पर। जब आप सबसे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपने अपना नाम, प्लेस ऑफ बर्थ जब आप उसमें मेंशन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट होगा इटालियन, तो आपने उस कोड को कॉपी करके एप्लीकेशन फॉर्म में पेस्ट करना है एज इट इज। तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो मैं यहाँ से एप्लीकेशन जल्दी हो जाए, ताकि ये कह रहे हैं कि 14, 15 और 16 डिजिट्स होने चाहिए नंबर्स भी, वो जहाँ पे जो यहाँ पे जनरेट होगा आपने उसी को इधर लिख लेना है, कॉपी करके पेस्ट कर लें। तो मैं एप्लीकेशन के लिए टाइम नहीं जाएगा इसलिए मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ रेंडमली, उसके बाद आप यहाँ से पिक्चर अपलोड करके सेव करके यहाँ से नेक्स्ट कर लें। उसके बाद थर्ड पे कह रहे हैं कि कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्ट्स में आपने अपना
ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्काइप का जो भी आपका आईडी है वो इस जगह में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आपका जो हाउस नंबर है वो, उसके बाद नीचे जो प्रोविंस सिटी या रीजन जो भी आता है आप वो लिखेंगे। आप अपना जिप कोड, पोस्टल कोड और कंट्री फिर से लिख के सेव करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फोर्थ पे पूछ रहे हैं कि एजुकेशन, अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो शुरू में यहाँ पे लिख लें सिंपली सेकेंडरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने जब कंप्लीट किया है वो, और अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स के करके, और उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट न्यू ब्लॉक, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो इसमें आप अपना इंटरमीडिएट का भी फिल करें। तो मैं बैचलर्स के लिए कर रहा हूँ फिल, तो सिंपली इस बॉक्स को कर लूँगा। आप अपना कॉलेज का प्रॉपर नाम लिख लें, आपने डिप्लोमा किया है 3 साल में अगर तो आप 3 ईयर्स लिखें, जितने टाइम में आपने इस डिग्री को कंप्लीट किया है आप वो लिख लें, अगर आपने इंटरमीडिएट वगैरह किया तो 2 ईयर्स का ऑप्शन आ जाते वो। और यहाँ पे जो आपने प्रोग्राम किया है वो, मैंने डिप्लोमा किया है, अगर आपने फिजिक्स किया है तो प्री इंजीनियरिंग पूरा लिख लें। यहाँ पे कंट्री आपने जहाँ से किया है उस कंट्री का नाम, और उसके बाद जिस सिटी से किया है आपने उसका नाम लिख लेना। उसके बाद स्टडी लैंग्वेज आप बेहतर है इंग्लिश कर लें, सेकंड ऑप्शन होता तो आप उर्दू भी कर लेते और भी बेटर हो जाता। सेव करके आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे और ये पूछ रहे हैं कि फिफ्थ पे लैंग्वेजेस, तो आपका नेटिव लैंग्वेज कौन सा है, उर्दू है, तो आप उर्दू पे लिख के सर्च करेंगे, सेलेक्ट हो गया। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आप अपना हिंदी लिख लें। इंसर्ट न्यू लैंग्वेज इंग्लिश के लिए आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद प्रोफिशिएंसी, आप कितना प्रोफिशिएंट है लैंग्वेज में, तो आप B1 है, B2 है, A1 वगैरह आप लिख लें। उसके बाद यहाँ पे आप अपना, आपने जो भी किया है आइल्स किया है, टोफल किया है, अगर नहीं किया है आपने जो मैंने लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बनाया है आप वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा सारों का। अगर आपने आज नहीं किया है तो अदर्स पे क्लिक करके आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो आप प्रीवियस इंस्टीट्यूट से निकलवाते हैं उसको सिलेक्ट करें। तो मैंने आज किया है तो मैं आज लिखूंगा यहाँ पे और सेव कर लेना है आपने। उसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट कर लें। और मोटिवेशन पे, मोटिवेशन के लिए ये कह रहे हैं कि आपने मिनिमम 1200 से 2000 करेक्टर्स में लिख लेना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा आपको यहाँ पर शॉर्ट सा समझाता हूँ कि आपने इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना है, इस कंट्री में क्यों अप्लाई कर लेना है, और डिग्री के बाद आप क्या करेंगे, आपने सिंपल वो लिख लेना है। तो इसको फिल करने के अलावा ये आगे प्रोसीड नहीं होगा, तो मैं सिंपली इसको इधर कॉपी करके जो भी करेक्टर्स हैं मैं इनको बराबर कर लेता हूँ ताकि अप्लीकेशन नेक्स्ट प्रोसीड हो जाए और मैं फॉर्म फिलिंग मेथड आपको क्लियरली समझा सकूँ। तो ये आपका मोटिवेशन भी हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने इसको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो ये कह रहे हैं कि 11 करेक्टर्स कुछ ज़्यादा हो गए, तो मैं उनको कर लूँगा। तो आपने सेव कर लेना है और नेक्स्ट कर लेना है, आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक PDF बना के इस तरह आप लिखेंगे, माय डॉक्यूमेंट्स, इसी तरह PDF बना के आप सेलेक्ट कर ले। उसके अंदर आपका मार्कशीट सब कुछ होना चाहिए यहाँ पे, और इसका साइज़ 10 MI भी होना चाहिए, अगर लार्ज साइज़ हो गया तो उसको रिसाइज करके कर लें। देख लें यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, इसी तरह सारे आ जाएंगे जब आप अपलोड करेंगे तो, या तो वन बाय वन कर लें तो सारे हो जाएंगे। फिर सेव करके आपने नेक्स्ट कर लेना है। अदर्स में अगर आप मेडिकली फिट हैं, ये पूछ रहे हैं कि दुआ है कि आप सब मेडिकली फिट हों, तो यहाँ पे आप मेडिकली अपना लिख लें, बेनिफिट होगा, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, अगर है तो बेनिफिट,
तो उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स, आपने कहाँ से इसके बारे में सुना था, फ्रेंड फैमिली वगैरह। तो ऑनलाइन स्टडी पोर्टल, सोशल नेटवर्क्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप मेरा चैनल का नाम भी लिख सकते हैं, या जो जहाँ से भी आपने सुना है वो, तो सेव करके आपने नेक्स्ट कर लेना है। लास्ट में आ जाता है चेक लिस्ट, ये पूछ रहे हैं कि आपने ये सारे जमा किए हैं या नहीं। तो आपने वन बाय वन इस पे क्लिक करके अगर आपने ये सबमिट किया है तो आप सिलेक्ट करके सिंपली बाहर क्लिक करिए, टिक हो गया। एप्लीकेशन पे हमने पे नहीं किया तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जब आपको पे करना हुआ, अप्लाई करेंगे तो इस साइट पे देख लें, यहाँ पे लिंक दिया गया है, पूरा लिखा हुआ है, और इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फी सबमिट हो जाएगा। तो थर्ड में इसी तरह सारों को इसी तरह करेंगे तो टिक टिक आ जाएगा सारों पे। जब ये सारे सही हो जाएंगे इसी तरह आपने यहाँ से कर लेना है। और अगर ये पूछ रहा है कि पासपोर्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी पासपोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पासपोर्ट है, फॉर एग्जांपल इसी तरह आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो ये अपलोड अभी तक नहीं हुआ तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो है, तो देख सकते हैं हो गया ठीक। इसी तरह इसका भी है, तो यहाँ पे आप फी सबमिट करके आपने टिक कर लेना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है, देन नीचे आके इसको सेव कर लेना है, वरना नहीं होगा। सेव करके साइट पे ही उसका सबमिट का बटन है, उस पर क्लिक कर ले, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो वीडियो का आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।